नमस्कार, भारत एक्सप्रेस राजस्थान डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के बीच सियासी पारे को और भी ज्यादा गर्मा देने वाली एक खबर सामने आई। बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार लिस्ट जारी करते हुए सुरसगार विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया है। इसी बीच अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन विधायकों ने उनकी तारीफ की है, विपक्षी पार्टी ने उन्हीं के टिकट छीन लिए। वहीं अशोक गहलोत सूर्यकांता व्यास के घर भी पहुंच गए। यही सियासत है। आखिर क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। लिस्ट में नाम की घोषणा होते हुए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दो दिन के लिए दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। कई लोगों से घर पर पहुंचकर व्यक्तिगत मुलाकात भी की। साथ ही 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया गया। यह अचानक चर्चा में तब आया जब सीएम अशोक गहलोत बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास से मिलने उनके घर पहुंच गए। मिली जानकारी में सामने ये आया है कि जोधपुर की सुरसागर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशी का चयन कर रही है। सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के बीच सुरसागर विधानसभा सीट को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार लिस्ट से उन्हें बाहर कर दिया है, जिसको लेकर अशोक गहलोत ने अफसोस जताया। सुरसागर से बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास से जब सीएम अशोक गहलोत मिलने पहुंचे तो उन्होंने ये बात भी कही कि जीजी ने उनकी तारीफ की थी, इसीलिए बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। गौरतलब है कि राजस्थान की सुरसागर सीट पर कांग्रेस ने अभी तक सस्पेंस कायम रखा है। लोगों के मन में तो अब ये भी सवाल आ रहे हैं, क्या इस सीट से सूर्यकांत को कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात की है और उनके प्रति संवेदना जताई है और टिकट कटने से वो बीजेपी से नाराज़ तो हैं ही, तो क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस उन्हें इस सीट से टिकट देगी, ये भी एक सवाल है। और प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक, कांग्रेस के लिए वैसे भी सुरसागर का गढ़ जीतना आसान काम नहीं है, क्योंकि साल 2003 से अभी तक यहां पर बीजेपी का ही राज रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास ही यहां से 3 बार विधायक रही हैं। 20 साल से कांग्रेस यहां जीत हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि अब सूर्यकांता व्यास को टिकट न दिए जाना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसी बीच सीएम गहलोत का बीजेपी विधायक के घर पहुंचना और अभी तक कांग्रेस का यहां से उम्मीदवार न उतारना कई संकेत दे रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार की रात करीब 12:30 बजे बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे थे, जहां व्यास ने गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर सीएम का स्वागत किया था। दोनों के बीच करीब 15 मिनट की मुलाकात हुई। सूर्यकांता व्यास जीजी की ओर से बताया गया कि अशोक गहलोत उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। हालांकि ये तो कहने की बात है कि तबीयत पूछने आए थे, टिकट तो और भी विधायकों के कटते हैं, लेकिन उन्हीं से हालचाल पूछने क्यों गए, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक कहीं ना कहीं संदेशा ये भी है कि इस बार कांग्रेस उन पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के वो 2 बार ऑलरेडी विधायक रह चुकी हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान डिजिटल।